अगर एतमाद नहीं पैदा होता तो मैं आपके माध्यम से एडवाणी जी से ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के सारे मुसलमानों को रोड पे निकलवा के मरवा दीजिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून खून नहीं है, पानी है? आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हम रखेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे तर्ज तकरीर पर और हमारे तर्ज तहरीक पर चलना होगा? नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, मैं समझ के बोल रहा हूँ। आप बैठिए, मैं बिल्कुल समझ के बोल रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने का अगर फिरका अगर ये कंडम करूं, फिरका परस्त आपकी पार्टी है, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी को। फिरका परस्त आपकी पार्टी ने फैलाया है वहां, मैं कंडम करता आपकी पार्टी। आप चेयर को संबोधित कीजिए, आप पार्टी ने फैलाया, फिरका परस्ती बजरंग दल ने फैलाया, फिरका परस्ती हिंदू परिषद ने फैलाया, अब फिरका परस्ती आरएसएस ने फैलाया, फिरका परस्ती आप फैलाया नहीं तो किसने फैलाया? नरेंद्र मोदी के गुनाह का और क्या सबूत चाहिए? मोहतरम अर्जुन सिंह साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसकी हिमायत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। गुजरात में होने वाले बदतरीन फसाद पर बहस का आगाज मैं इस तरह करना चाहता हूं, जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहां, जलती लाशों का ये जंगल है, दरिंदे हैं यहां, आदमी का दूर तक नामो निशान कोई नहीं। सदर साहब, चीखता इंसाफ और दम तोड़ती इंसानियत, शहर में गांधी के अब जाए अमा कोई नहीं। हो रही है गालबन त्रिशूल से तथहीरे नस्ल, ऐसा लगता है मेरा हिंदुस्तान कोई नहीं। और जलजले भी जालिमों को दे न पाए कुछ सबक, क्या हिंसा का पुजारी अब यहां कोई नहीं। सदर साहब, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो चुकी है और जो बहस है गुजरात पर, इस बहस का दायरा मुल्क के हदूद से निकलकर बैनुल अक्वामी सरहदों तक फैल गया है। गुज़श्ता दो माह से गुजरात आग और शोलों की लपेट में है, हर तरफ आग और खून का खेल खेला जा रहा है। इस फसाद की हौलनाकी से का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वजीर दाखिला जनाब एल के अडवाणी साहब ने इसी मुअज्जज़ हाउस में चंद दिन कब्ल, अरे हम तो मारे ही जा रहे हैं, क्या उर्दू भी मारी जाए क्या? ठीक है, आप चेयर को संबोधित कीजिए। जनाब अडवाणी साहब ने 24 अप्रैल 2002 को जानो माल की नुकसान की जो तफसील दी है उसके मुताबिक पुलिस फायरिंग में मरने वालों की तादाद 168, जलाए गए मकानात 10,280, मोटर गाड़ियों की तादाद 3,002, मारे गए और जलाए गए अफराद की तादाद 824, फैक्ट्री और दुकानें 12,472, घायल अफराद की तादाद 2,031 है। सर, गिनतियों का ये खेल तो होता रहता है, सवाल इस बात का नहीं है कि गुजरात में किसने ज्यादती की। मैं तो समझता यह हूं कि गुजरात में सबने ज्यादती की, किसी ने कम ज्यादती की, किसी ने ज्यादा ज्यादती की, और हाउस में मुझे जसारत करते हुए कतन परेशानी नहीं है कि हम सब लोगों का जमीर कहीं ना कहीं मर गया, सभी का जमीर कहीं ना कहीं खुद गर्जियों की कुर्गानगाह पे चढ़ा हुआ है, वरना गुजरात पर बहस नहीं होती, सारे के सारे लोग इकट्ठा होकर हाउस जैसे दो दिन चार दिन बंद हुआ सारा हाउस चलता गुजरात, पहले यह तय करता कि 24 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ अमनो अमान होना चाहिए, उसके बाद यह हाउस चलाने का क्या मतलब? इस हाउस के चलाने से आप किसको विश्वास में ले रहे हैं? इल्जाम दर इल्जाम, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के बाद
लोग उंगली उठा के चेयर से कहते हैं कि साहब हमको पीड़ा हो गई, हमको तकलीफ हो गई, हमारे खिलाफ ये कहा गया। जिन लोग उनकी पीड़ा देखने के लिए कोई तैयार नहीं, जिनकी पीड़ा पे आज यहाँ बहस हो रही है, उन माँ और बहनों की मांग का सिंदूर खुचर गया, उन माँ और बहनों की मांग का सिंदूर वापस कोई नहीं ला सकता, इस पर कोई बहस करने के लिए तैयार नहीं है। ये क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात में अमन अमान कैसे कायम होगा, ये क्यों नहीं तय किया जाता कि गुजरात जैसी घटना फिर नहीं होगी। मैं कहना चाहता हूं और बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं हुक्मरा पार्टी से कि आखिर आप हजरात ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तानियों के पक्षधर नहीं है। आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हम सारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानी मानने के लिए तैयार नहीं। आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है। आप लोग आखिर ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि मुसलमानों का खून खून नहीं है, पानी है। आप लोग ये संकेत क्यों देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुलामी की जंजीरों में बांध कर हम रखेंगे और हिंदुस्तान के मुसलमानों को हमारे तर्ज तकरीर पर और हमारे तर्ज तहरीक पर चलना होगा। नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, समझ के बोल रहा हूँ, मैं समझ के बोल रहा हूँ। आप बिल्कुल समझ के बोल रहा हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बर्बाद करने का अगर 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 फिरका अगर ये कंडम करूं, फिरका परस्त आप आपकी पार्टी है, मैं कंडम करता हूं आपकी पार्टी को, फिरका परस्त आपकी पार्टी ने फैलाया है वहां, मैं कंडम आपकी पार्टी। आप चेयर को संबोधित कीजिए, पार्टी ने फैलाया फिरका परस्ती, हिंदू परिषद ने फैलाया फिरका परस्ती, आरएसएस ने फैलाया फिरका परस्ती, आप फैलाया नहीं तो किसने फैलाया? नरेंद्र मोदी के गुनाह का और क्या सबूत चाहिए? मैं बिल्कुल कायदे के अंदर बोल रहा था, मेरी स्पीच आप निकलवा लें। मैं ये अर्ज कर रहा था सर कि आखिर एतमाद बहाल करने का कोई रास्ता पैदा होगा कि नहीं, और आप दो मिनट और अगर ठीक है, अगर एतमाद नहीं पैदा होता तो मैं आपके माध्यम से एडवाणी जी से ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के सारे मुसलमानों को रोड पे निकलवा के मरवा दीजिए। अगर उनकी रक्षा नहीं होगी तो मैं क्या करूं? मैं उनकी रक्षा होगी तो मैं क्या करूं? या तो रक्षा दीजिए, मैं कुछ भी हम पार्लियामेंट नहीं बोल रहा हूं सर, मैं एक दर्जन पार्लियामेंट्री नहीं बोल रहा हूँ, बोलने से कोई फायदा नहीं है। या तो सरकार मुसलमानों की रक्षा करे और या सरकार कह दे कि हम तैयार नहीं। सर मैं तो गुजरात के सिलसिले में अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ, अगर कोई भी आप पार्लियामेंट्री लगते हैं तो विड्रॉ कीजिए।